गुड आफ्टरनून स्टूडेंट, आज हम लोग भाषा सेतु का चैप्टर 4 पढ़ेंगे। सच्ची मित्रता। सच्ची मित्रता एक कविता है जो कि तुलसीदास द्वारा रचित रामचरितमानस के किष्किंधा कांड से लिया गया है। इस कविता में जो राम है वो सुग्रीव को भय मुक्त करने के लिए सच्चे मित्र के लक्षण बताए हैं। जे न मित्र दुख हो ही दुखारी, इसमें कहा गया है पहली लाइन में कि वह मित्र जो अपने मित्र के दुख से दुखी नहीं होता। दुखारी मीन्स दुखी, बिलोकत मीन्स देखना, पातक मीन्स पाप। तो पहली लाइन में है जे न मित्र दुख हो ही दुखारी, तीन नहीं बिलोकत पातक भारी। तो राम जो है सच्चे मित्र के लक्षण बताते हुए कहते हैं कि जो मित्र अपने मित्र के दुख से दुखी न हो, उन्हें देखकर बहुत भारी पाप लगता है। निज दुख गिरि सम रज करि जाना, मित्रक दुख रज मेरु समाना। निज मीन्स अपने दुख को गिरे, अपने पर्वत के समान दुख को धूल के समान समझना, और मित्र के धूल के समान दुख को पर्वत के समान जो समझता है वही सच्चा मित्र होता है। जो सच्चा मित्र होता है वो अपने पहाड़ समान दुख को धूल की तरह समझता है, और मित्र के धूल समान दुख को पर्वत के समान समझता है। और जिस व्यक्ति में, तीसरे लाइन में है, जिनके असमति सहज न आई, ते सठ कत हठि करत मिताई। जिस व्यक्ति में ऐसे गुण सामान्य रूप से नहीं पाए जाते, ऐसे सठ मीन्स मूर्ख और हठि मीन्स जिद्दी, ऐसे हठि और मूर्ख व्यक्ति से मित्रता नहीं करनी चाहिए। कुपथ निवारी सुपथ चलावा, गुण प्रकटे अवगुण नहीं दुरावा। मित्र वो होता है जो अपने मित्र को खराब रास्ते से अच्छे रास्ते की तरफ ले जाता है, और उसके अवगुणों को दूर करता है तथा उसके अंदर गुण भरता है। तो ऐसे व्यक्ति को मित्र बनाने में हमें थोड़ा भी शंका नहीं करना चाहिए। जो जो हमारे हमारे को अच्छे रास्ते पर ले जाए और हमको खराब रास्ते से बचाए, हमारे अवगुण को दूर करे और हमारे अंदर गुण भरे और सबका भलाई करे, ऐसे व्यक्ति को मित्र बनाने में थोड़ा भी शंका नहीं करना चाहिए। विपत्ति काल सतगुण नेहा, जो जो सच्चे मित्र होते हैं वो विपत्ति काल में भी हमको पहले से भी ज्यादा स्नेह करते हैं, हमारे दुख को दूर करने की कोशिश करते हैं। श्रुति कह संत मित्र गुण ऐहा, जो व्यक्ति विपत्ति काल में हमारे दुख को दूर करने की कोशिश करता है और हमारे को पहले से भी ज्यादा स्नेह करता है, तो जो श्रुति मीन्स वेद होता है, वेद ऐसे गुण सच्चे मित्र के बताए हैं। वेदों में ऐसा गुण सच्चे मित्र का बताया गया है कि जो सच्चे मित्र होते हैं वो विपत्ति काल में पहले से भी ज्यादा स्नेह करते हैं तथा हमारे दुखों को दूर करते हैं। आगे कह मृदु वचन बनाई, पाछे अनहित मन कटुलाई। मतलब जो व्यक्ति हमारे सामने अच्छी अच्छी बातें करे और हमारे सामने हमारी बड़ाई करे और हमारे पीछे हमारी अवहेलना करे, दूसरों से हमारी बुराई करे और हमारा अहित चाहे, ऐसा व्यक्ति जो है मित्रता करने के लायक नहीं है। ऐसे व्यक्ति का चित, जो हृदय है, जाकर चित अहि। अहि मीन्स होता है सर्प, जिसका जो हृदय है वो सर्प के समान हो, जो हमारे मुंह पर हमारी बड़ाई करे और हमारे पीछे हमारी अवहेलना करे, हमारी बुराई करे और हमारा भला ना चाहे, ऐसे ऐसे कुमित्र से, ऐसे व्यक्ति से
हमें दूर रहने में ही हमारी भलाई है। जो व्यक्ति हमारी और हमारे सामने हमारी बड़ाई करे और हमारे पीछे हमारी हमारी बुराई करे या हमारा अहित चाहे, ऐसे व्यक्ति से दूर रहना ही हमारे लिए भला होगा। ऐसे मित्र से दूर रहने में ही हमारी भलाई है। सेवक सठ, सठ में से मूर्ख, सेवक जो मूर्ख सेवक, नृप नृपन जो राजा होता है, कंजूस राजा, मूर्ख सेवक, कंजूस राजा और नारी जो कि जिसके अंदर वो ना चरित्र, जो नारी जो कि चरित्रवान न हो और कपटी मित्र, ये जो चारों हैं वो शूल के समान होते हैं या ये चारों कांटे के समान होते हैं। दुष्ट सेवक, कंजूस राजा, ऐसी नारी जो चरित्रवान न हो, जिसका चरित्र अच्छा न हो और कपटी मित्र, ये जो चारों हैं वो शूल के समान होते हैं। तो ये तुलसीदास द्वारा रचित था ये कविता आपका। यहाँ पे एक्सरसाइज है, प्रस्तुत पाठ में किसके बीच संवाद हुआ है? तो प्रस्तुत पाठ में राम और सुग्रीव के बीच संवाद हुआ है। राम जो है सुग्रीव के दुख को कम करने के लिए ये पंक्तियां, ये बातें उनसे कहे थे। तो इसका ऑप्शन 4 होगा, घ, राम और सुग्रीव के बीच। सच्चा मित्र क्या करता है? सच्चा मित्र जो है, सच्चा मित्र धूल के समान दुख को पहाड़ के समान समझता है। सच्चा जो मित्र होता है वो हाँ, सच्चा जो मित्र होता है वो मित्र के धूल जैसे दुख को पहाड़ जैसा समझता है। तो घ होगा इसका आंसर। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में कौन से गुण सच्चे मित्र के हैं? गलत रास्ते पर चलने से रोकता है, ऐसा गुण मित्र का होता है ना, अच्छे रास्ते पर चलने को प्रेरित करता है, मित्र के अवगुण को दूर करता है। तो ये सारे गुण हैं, तो उपरोक्त सभी, कौन सा ऑप्शन होगा? घ होगा, घ होगा, उपरोक्त सभी मित्र के, जो सच्चे मित्र होते हैं उनके लक्षण हैं। मुंह पर मधुर वचन और पीठ पीछे कुटिलता किसका काम है? मुंह पर मधुर वचन और पीठ पीछे कुटिलता किसका काम है? कपटी मित्र का काम है। ठीक है, ख ऑप्शन होगा। बुरे मित्र के साथ क्या व्यवहार करना चाहिए? छोड़ देना चाहिए, समझाना चाहिए, सबक सिखाना चाहिए, उपरोक्त सभी। बुरे मित्र जो होते हैं उनको छोड़ देने में ही भलाई है ना? जो पीठ पीछे हमारी बुराई करते हैं, तो ऐसे कपटी मित्र, बुरे मित्र को छोड़ देने में भी में ही हमारी भलाई है। तो क हो जाएगा। कवि ने किन किन लोगों को कांटे के समान बताया है? दुष्ट सेवक को, कृपण राजा को, कपटी मित्र को, तो सभी को बताया है। उपरोक्त सभी इसका आंसर होगा। गौ नहीं होगा, इसका आंसर होगा उपरोक्त सभी, जो 6 नंबर है। क्योंकि कांटे के समान किसको किसको बताया गया है? दुष्ट सेवक को बताया गया है, कृपण राजा को भी बताया गया है, ऐसा राजा जो कंजूस हो वो भी कांटे के समान है, कपटी मित्र को भी बताया गया है और बुरे चरित्र वाली स्त्री को भी कांटे के समान बताया गया है। ठीक है, नेक्स्ट है क्वेश्चन आंसर। रामचरितमानस के किष्किंधा कांड से उद्धृत उद्धृत
काव्य पंक्तियों में किस बात का महत्व बताया गया है? तो इसका आंसर आप ऐसे लिखेंगे, क्वेश्चन से ही स्टार्ट करेंगे, रामचरितमानस के किष्किंधा कांड से उद्धृत काव्य पंक्तियों में किस, जहां पे लिखा हुआ है वहां पे लिख देंगे सच्चे मित्र के महत्व को बताया गया है। ओके, जहां किस लिखा हुआ है, बाकी यहां से आप लिखते जाएंगे, यहाँ पे लिखेंगे काव्य पंक्तियों में सच्चे मित्र, इसका आंसर होगा सच्चे मित्र के महत्व को बताया गया है। ओके, नेक्स्ट है, अनुमान लगाइए कि ये बातें किसने किसको समझाई होगी। तो ये बातें आप लिख देंगे यहां से, ये बातें राम ने सुग्रीव को समझाई होगी। राम और सुग्रीव का यहाँ पे वार्तालाप हुआ है ना, यहाँ फर्स्ट ऑप्शन में लिखा हुआ है, यहाँ पे राम और सुग्रीव, तो ये लिख देंगे ये बातें राम ने सुग्रीव को समझाई होगी। ओके, अंडरस्टैंड बेटा, ऐसे लिखोगे ये बातें राम ने सुग्रीव को समझाई होगी। ओके, नेक्स्ट, कैसे मित्र को देखने में भी भारी पाप लगता है, बताइए। हाँ, तो लिख देंगे आप लोग कपटी मित्र को, कैसे जहां पे लिखा हुआ है वहां पे लिखेंगे कपटी मित्र को देखने में भी भारी पाप लगता है, ये आंसर हो जाएगा। ओके बेटा, कॉपी लिए हैं आप लोग, रफ कॉपी लिए हो तो रफ कॉपी लिखते रहो, पहला का आंसर बताई हूं ना, फिर आप ऐड कर लोगे अपने आंसर में, अभी से लिखिए उसको, ये तो याद होगा, दूसरा का बता दें, पहले के तो चौथे का थ्री वाला लिख लिए हो, याद हो गया है ना, थ्री नंबर तक तो, हाँ, कपटी मित्र को देखने में भी भारी पाप लगता है, वहां पे आप लिख लोगे तो आप आंसर, क्योंकि माइंड में नहीं रहता है ना, तो फिर आप जैसे ही रफ कॉपी देखोगे तो आप आंसर इजीली लिख लोगे। ओके बेटा, ओके, नेक्स्ट देखिए, फोर्थ नंबर देखिए, रफ कॉपी लिए रहिएगा, उस पे आंसर आप लोग जितना भी आपको समझ में आएगा लिख लेंगे तो आप फिर इजीली कर लेंगे। ओके, नेक्स्ट, फोर्थ नंबर, क्या आप अपने मित्र में कविता में बताए गए गुण पाते हैं? तो लिख देंगे हाँ, हम अपने मित्र में कविता में बताए गए गुण पाते हैं। ओके, क्योंकि मित्र आप वही ना बनाएंगे, वैसा ही मित्र बनाने के लिए बोला गया है कि जो आपके दुख को दुख समझे और आपके आपके धूल जैसे दुख को भी वो पहाड़ जैसा समझे, तो हम जो ऐसा हम मित्र नहीं होता है वो उसे हम मित्र ही नहीं बनाएंगे, है ना, तो लिख देंगे इसका आंसर होगा हाँ, कविता में बताए गए गुण हमारे मित्र में है। ओके, इसका आंसर हाँ होगा। क्या आप अपने मित्र में कविता में बताए गए गुण पाते हैं? तो हाँ, हम अपने मित्र में कविता में बताए गए गुण पाते हैं। हाँ लिखेंगे, हाँ के बाद कॉमा लगा देंगे, फिर हम लिखेंगे ना। ओके, नेक्स्ट देखिए, हाँ बाकी सब क्वेश्चन में सही आप लिख दोगे। ओके, हाँ लिखेंगे, हाँ के बाद हम, आप जहाँ लिखा है वहां हम लिख देंगे, हाँ हम अपने मित्र में कविता में बताए गए गुण पाते हैं। नेक्स्ट, नेक्स्ट है, सच्चा मित्र कौन होता है, विपत्ति काल में उसका व्यवहार कैसा होता है? जो मित्र अपने मित्र के दुख को, मतलब अपने मित्र के धूल समान दुख को भी पहाड़ जैसा समझे, वही सच्चा मित्र होता है ना, लिख लीजिए, लिखें रफ में, जो जो मित्र अपने मित्र के धूल समान दुख को भी पहाड़ पहाड़ के समान समझता है,
यहाँ सेकंड वाले ऑप्शन में दिया भी है, आप यहाँ से बना के लिख सकते हो, जो जो यहाँ पे लिख देंगे आप लोग, जो मित्र मित्र के धूल जैसे दुख को पहाड़ जैसा समझता है, वही सच्चा मित्र होता है। ओके बेटा, लिख लिया आप लोग बेटा? हाँ, इसका आंसर ये, सच्चा मित्र कौन होता है? सच्चा मित्र जो मित्र अपने मित्र के जो अपने मित्र के धूल जैसे दुख को भी पहाड़ जैसा समझता है, वही सच्चा मित्र होता है। विपत्ति काल में उसका व्यवहार कैसा होता है? विपत्ति काल में वो पहले से भी अपने मित्र का ज्यादा ख्याल रखता है, अपने मित्र का मित्र से ज्यादा प्यार करता है। विपत्ति काल में उसका व्यवहार पहले से भी विपत्ति काल में हमारे मित्र का व्यवहार पहले से भी, रुकिए हम बता देते हैं इसका। तथा ये भी हो सकता, विपत्ति काल में पहले से भी ज्यादा प्यार करता है तथा हमारा साथ नहीं छोड़ता है ना? विपत्ति काल में क्वेश्चन में है ना, विपत्ति काल में हमें पहले से भी ज्यादा प्यार करता है तथा हमारा साथ नहीं छोड़ता। नेक्स्ट करें बेटा, लिख रहे हो इसका आंसर? ओके, विपत्ति काल में हमारा साथ नहीं छोड़ता तथा हमें पहले से भी ज्यादा प्यार करता है। अच्छा, जो व्यक्ति आगे मीठे वचन बोलता है और पीछे से मन में बुरे विचार लाता है, उसके साथ हमारा व्यवहार कैसा होना चाहिए? तो जो व्यक्ति आगे मीठे वचन बोलता है और पीछे से मन में बुरे विचार लाता है, उसे हमें अपना मित्र नहीं बनाना चाहिए। ठीक है, ऐसे व्यक्ति को हमें अपना मित्र नहीं बनाना चाहिए। क्वेश्चन में से ही आप आगे से लिखोगे और पीछे बस अपना आंसर ऐड कर देंगे आप लोग। ओके बेटा, दूसरे का है आंसर, जो व्यक्ति आगे मीठा वचन बोलता है, क्वेश्चन सही है, और पीछे से मन में बुरे विचार लाता है, उसके उसे हम हमें उसे अपना मित्र नहीं बनाना चाहिए। बस यही आंसर है, उसे हमें अपना मित्र नहीं बनाना चाहिए। ओके, किन चार को शूल के समान बताया गया है? मूर्ख सेवक या दुष्ट सेवक आप कह सकते हैं। यहाँ पे तीन दिया हुआ है ऑप्शन वाले में, नीचे में देख रहे हो आप, दुष्ट सेवक कॉमा लगाओगे, कंजूस राजा, कपटी मित्र, और यहाँ पे देखिए यहाँ पे दिया हुआ है बुरे चरित्र की स्त्री, कुनारी। यहाँ पे देखो कुनारी का यहाँ वर्ड मीनिंग दिया हुआ है, इसको आप लोग लर्न कर लेंगे। तो यहाँ पे दिया हुआ है, पहले लिखेंगे दुष्ट सेवक कॉमा कंजूस राजा कॉमा कपटी मित्र कॉमा या फिर तथा बुरे चरित्र की स्त्री, ये चारों शूल के समान इन चारों को शूल के समान बताया गया है। ओके बेटा, इन चारों को शूल के समान बताया गया है। वर्ड मीनिंग आप लोग देख लीजिएगा, इसको लर्न कर लीजिएगा तो आपको इजीली आ जाएगा समझ में। नेक्स्ट, उक्त चौपाई के आधार पर सच्चे मित्र के पांच लक्षण बताइए। हम बताते हैं सच्चा मित्र, सच्चा मित्र जो होता है, सच्चा मित्र अपने मित्र के हाँ, यहाँ पे दिया हुआ है ना, क्या क्या बेटा, यहाँ पे तीन दिया हुआ है आप देख सकते हो,
उक्त चौपाई के आधार पर सच्चे मित्र के 5 लक्षण बताइए। तो ये दूसरे नंबर पे आप देख रहे हो, दूसरे नंबर पे नहीं, तीसरे नंबर पे है। यहाँ पे देख रहे हैं आप लोग, तीसरे नंबर पे दिया हुआ है, गलत रास्ते पर चलने से रोकता है, अच्छे रास्ते पर चलने को प्रेरित करता है, मित्र के अवगुण को दूर करता है। ठीक, इतना तीन हो गया ना आपका। और चौथा होगा कि सच्चा मित्र जो होता है वो अपने मित्र के धूल समान समान दुख को भी पहाड़ समान समझता है ना। अपने मित्र के धूल समान, यहाँ पे ऊपर दिया हुआ है सेकंड वाले में भी, मित्र के धूल जैसे दुख को भी पहाड़ समझता है। चौथे नंबर पे इसको आप लिख सकते हो, ठीक है। और विपत्ति में उसका साथ नहीं छोड़ता, ठीक। यहाँ चार आपको मिल गया और एक है कि विपत्ति में आपका साथ नहीं छोड़ता। ओके। और यहाँ पे ये दिया हुआ है, सप्रसंग व्याख्या है, जे न मित्र दुख हो ही दुखारी, तिन्हें बिलोकत पातक भारी, निज दुख गिरिसम रज करी जाना, मित्रक दुख रज मेरु समाना। इसका व्याख्या करना है तो आप ऐसे लिख सकते हो, जैसे प्रस्तुत पाठ हमारी पाठ्य पुस्तक भाषा सब प्रसंग बोल संदर्भ है, संदर्भ डालते हैं ना हम लोग, संदर्भ लिख लो, मतलब ऐसे रफ कॉपी में संदर्भ, मतलब हेडिंग डाल लो संदर्भ, उसके बाद मैं बताती हूँ आप लिख लेना। जैसे आवाज नहीं आ रही है, क्लियर? ओके। संदर्भ पहले हम लिखते हैं, संदर्भ डाल देते हैं इसको, नहीं तो उसमें हम लिखते हैं ना कि जैसे कि उसमें संदर्भ में हम क्या लिखते हैं, संदर्भ में हम लिखते हैं कि प्रस्तुत पंक्ति हमारी पाठ्य पुस्तक भाषा सेतु है ना, आपका किताब का क्या नाम है, भाषा सेतु नाम है ना कि? आवाज नहीं आ रही है अमन, देखो क्या। ओके, हेलो, आवाज नहीं जा रही है। ओके, नेक्स्ट डे फिर पढ़ेंगे। माइक माइक अपना ऑफ कर दीजिए। हेलो, माइक ऑफ, आवाज जा रही है बेटा, अभी आ रही है। ओके, तो जहां सप्रसंग व्याख्या लिखा होता है ना, तो हम सबसे पहले संदर्भ हेडिंग डालते हैं, तो उसमें संदर्भ में हम क्या लिखते हैं कि ये जो पंक्ति है हमारी पाठ्य पुस्तक भाषा सेतु, किताब का नाम है आपके, तो प्रस्तुत पंक्ति हमारी पाठ्य पुस्तक भाषा सेतु के सच्ची मित्रता नामक पाठ से लिया गया है। बस इसमें हम यही बताते हैं, और इसके रचयिता है तुलसीदास। ये जो पंक्ति दी गई है आपका लेसन जो 4 है, ये किसने लिखा है, किसने लिखा है? तुलसीदास। हाँ, तुलसीदास ने लिखा है। तो यही हम इसको बताना रहता है, संदर्भ में हमको यही बताना रहता है कि ये किस पाठ का है, और पाठ्य पुस्तक का नाम हमको लिखना रहता है। तो प्रस्तुत पंक्तियां हमारी पाठ्य पुस्तक भाषा सेतु के सच्ची मित्रता नामक पाठ से ली गई है, और इसके रचयिता है तुलसीदास। ओके, ऐसे हम लोग लिखते हैं, आप लोग को जितना समझ में आएगा आप कर लीजिएगा, नहीं समझ में आएगा तो फिर इसको रिटर्न करके वो कर देंगे, ठीक है। तो आगे नहीं पढ़ना है बेटा, ओके। थोड़ा सा है देख लीजिए। ओके, तो इसमें उसके बाद हम वो लिखते हैं, प्रसंग लिखते हैं, तो प्रसंग में हम यही लिखते हैं कि इस इन पंक्तियों में राम राम ने सुग्रीव को सच्चे मित्र के महत्व को बताया है। प्रसंग, जब हम उसके नीचे प्रसंग हेडिंग डालते हैं, तो उसमें लिखते हैं कि इन पंक्तियों में राम ने सुग्रीव को सच्चे मित्र के महत्व को बताया गया है, उसमें ये लिखते हैं हम। फिर उसका व्याख्या हम लोग कर देते हैं, व्याख्या हेडिंग डालते हैं, तो कि इसमें कहा गया है कि सच्चे मित्र के महत्व को बताते हुए कहा गया है कि जो मित्र अपने मित्र के दुख से दुखी ना हो, ऐसे मित्र को देखने में पाप लगता है,
और जो अपने पहाड़ समान दुख को धूल के समान समझता हो और मित्र के धूल समान दुख को पर्वत के समान समझता हो, वही सच्चा मित्र होता है। बस ऐसे ही है। यहाँ पे उपसर्ग है, अलग करना है। जैसे कुपथ दिया हुआ है तो यहाँ पे आप कु लिख देंगे, यहाँ पे कु लिख देंगे, कु उपसर्ग लगा हुआ है, पथ एक शब्द है, कुमित्र है तो कु यहाँ पे केवल लिखना है कु। ये सतगुण है तो यहाँ पे सत लिखना है, अनुमान है तो यहाँ पे अनु लिखना है, इसी में से अनु को लिख देना है यहाँ पे। अवगुण है तो अव यहाँ पे लिख देना है, कुनारी है तो कु यहाँ पे लिख देना है, ठीक है। और इन सब को तो वाक्य में प्रयोग करना है और यहाँ पे भाववाचक बनाना है। जैसे कि मित्र है तो मित्र का मित्रता हो जाएगा, निज का निजता हो जाएगा। ओके, जहाँ तक आप लोग को आएगा वो कंप्लीट कर लीजिएगा, नहीं होगा तो करवा दिया जाएगा।